लारिस एक्स्ट्रा। प्रहलाद यादव हैं और मैं बरखड़ा राठौर का निवासी हूं और आज मैं यहां पर हमारे साथ हमारे गांव के और अन्य किसान भी है और हम सभी यहां पे सूरजना परा गांव में एक मक्के का जो प्लाट लगाया हुआ है इसमें यहां पे हम आए हुए हैं। सिज्जडा कंपनी ने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है जिसमें क्या है कि इस मक्के के प्लाट में जो खरपतवार होती है खरपतवार को नष्ट करने के लिए इनकी एक नई दवाई का इन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है केलरिस एक्स्ट्रा। इस दवाई से हम यहाँ देख रहे हैं, हम सबने देखा है यहाँ पर कि इस दवाई को जहाँ जहाँ दवाई डाली गई इस खेत में इस प्लांट में जहाँ जहाँ पे पूरा जो खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और पास में यदि हम देखते हैं आसपास में जहाँ पे कुछ इन्होंने बीच में रखी हुई जगह है इस जगह पे दवाई नहीं डाली गई तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल वो खरपतवार इसी तरह से बहुत अच्छा खड़ा हुआ दिख रहा है हमको हरा और जहाँ ये दवाई का स्प्रे हो गया वहाँ पे एकदम अच्छा साफ हो गया है। और मैं किसान भाई को ये सलाह दूंगा कि ये जो दवाई हम डालते हैं तो ये इस खरपतवार के ऊपर पत्तियों पे अच्छी तरह से गिरना चाहिए ताकि ये खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और इस दवाई का जो है फसल पे हमने देखा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अन्य जो दवाइयाँ डालते हैं खरपतवार नाशक तो उसमें क्या होता है कि जो हम देखते हैं कि डालने के बाद दो चार दिन बाद इसकी मक्के की जो पत्तियां होती है वो भी उसके साथ साथ खराब होने लगती है, लेकिन ये मक्के की पत्तियां बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। और साथ ही इस दवाई का एक और हम रिजल्ट देख रहे हैं कि जिसमें जो चौड़ी पत्ती की खरपतवार है और जो पतली संकरी पत्ती की खरपतवार है यानी दोनों प्रकार की जिस प्रकार से बोकना है अन्य जो ये मोतिंगा भी इसमें हम देख रहे हैं वास्तव में इसमें ये भी नष्ट हो रहा है। तो चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों प्रकार की खरपतवार पर ये अपना प्रभाव दिखा रही है और इसको नष्ट कर रही है। तो बहुत अच्छा हमें लगा है इसका जो प्रोजेक्ट केलरिस एक्स्ट्रा का और हम चाहेंगे कि इसको उपयोग करें सभी किसान भाई और अपनी मक्के की फसल अच्छी पैदावार करें। लारिस एक्स्ट्रा, फर्क दिखेगा जब फैसला होगा सही।